हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। तो स्वागत है आपका हमारे न्यू व्लॉग में। सॉरी दोबारा बोल दिया, कोई बात नहीं, चलता है। तो आज का जो व्लॉग है वो थोड़ा पूजा पाठ से रिलेटेड है। आप सभी को पता है कि आज मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन कुछ लोग जो है हनुमान जी का चोला चढ़ाते हैं। तो वही जो है आज मोहित और अभिषेक जो करने जा रहे हैं, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ और जो मतलब जितनी भी औरतें होती वो ये सब चीज़ें नहीं देखती, लेकिन फिर भी मैं इन लोग के साथ जाऊँगी। मैं बाहर ही रहूँगी और ये दोनों जो है तैयारी कर रहे हैं। चलो आपको दिखाती हूँ। मैं अभिषेक है, ये फ़ोन में जो है विधि देख रहा था अभी और कैसे किया जाता है। और यहाँ जो है मोहित बना रहे हैं घी वगैरह मिला करके, बकायदा थोड़ा और घी डालो इसमें, हाँ घी चम्मच लेकर के आपसे। और ये मतलब बाबा का चोला और ये जो जनेऊ वगैरह जो भी मतलब उनको चढ़ता है वो है। तो ये मोहित जो है तैयारी कर रहे हैं। बाकी जो ऊपर मैंने पूजा की थाल लगाई थी उसमें मैंने एक दीपक बना के रखा है और ये फूल वगैरह है। और अभिषेक प्रसाद लेकर के भी आया है, तो ये जो अभिषेक प्रसाद लेकर के आया ये प्रसाद है। तो ये थाल हो चुकी है पूरी रेडी, इसके अंदर सारा जो भी सामान है सब हो गया है तैयार। और बस अभी थोड़ी देर में लोग निकल रहे हैं घर से। तो हम लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, अब से एक तो पहले ही निकल चुका है। और हम लोग जो है मंदिर पहुंचने वाले हैं, बस मंदिर जो है एकदम नज़दीक है। हम लोग मंदिर जो है पहुंच गए हैं और राम मेरे जो मंदिर के अंदर जा रहा है। मैं भी पीछे पीछे हूँ, प्रतिक्रिया बजने वाली, क्योंकि यहाँ पर जो है प्रतिमा खड़ी हुई है। जो मोहित अभिषेक है वो मंदिर के अंदर है और मैं जो है मंदिर के बाहर बैठी, क्योंकि मंदिर के अंदर मुझे अभी इस समय नहीं रहना चाहिए कि वो लोग जो है हनुमान जी की पूजा करें, वो ब्रह्मचारी होते हैं, तो इसलिए बोलते लड़कियां जो हैं उनका चूल्हा चलाते वक्त ना देखें और ना ही करें। तो इसलिए मैं बाहर बैठी हूँ और जल्दी से मोहित अभिषेक पूजा करके आ जाएँ, मैं तब वेट कर रही हूँ। तो मैं जिस मंदिर में आई हूँ वो मसवाहापुर काफ़ी पुराना मंदिर है। यहाँ पर लोग शादी वगैरह में भी आते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है मंदिर के जस्ट पीछे कुआं है और कुएं में जो है कुआं पूजाइन पूजा होती है, जो शादी में होती है, लड़कों की रस्म होती है ये। तो पहले तो मैं आपको जो है मंदिर का पूरा जो है व्यू दिखा देती हूँ। ये जो मंदिर है, मंदिर के ऊपर काफ़ी प्रतिमाएँ बनी हुई हैं। अब मैं आपको लेकर चलती हूँ पीछे की ओर। तो आप ये पीछे देख सकते हैं, आपको दूर से यहाँ पर एक कुआं नज़र आ रहा होगा। तो यही वो कुआं है जहाँ पर पूजा होती है। तो ये मंदिर जो है पीछे एरिया में काफ़ी मतलब बड़ा है और यहाँ और भी निर्माण हो सकता है। ये देखिए आप कितने पुराने ईंटों की दीवार खड़ी है। तो यहाँ पर जो है पूजा हो चुकी है और हनुमान चालीसा का पाठ करने जा रहे हैं। आप और मोहित जो है घर आ चुके हैं और अब से कभी मंदिर में ही है और अब हम जा रहे हैं खाना खाने। दीदी ने बनाया है, क्या बनाई हो? छोला नहीं बना है। हम लोग का छोला का प्लान था छोला पुलाव का, लेकिन छोला आया नहीं तो छोला नहीं बना है। मिक्स दाल बनी है, मिक्स दाल और रोटी। चावल नहीं बनाई हो? चावल भी बना है, मिक्स दाल रोटी चावल। देखो खाना बनाया है दीदी ने, दाल चावल रोटी। भाई तुम क्या कर रहे हो? कप्पू देख रहे? कप्पू ये क्या देख रहा? कपिल शर्मा दिखाओ। सब अपने अपने फोन में बिजी, हमसे तो कोई बात नहीं कर रहा। ये बहुत ज्ञान देता है, जहाँ से जरा सा ज्ञान ले लिया बस घर में ज्ञान देना चालू कर देता है। कब दिया हमने ज्ञान? सुबह देख रहे थे कुछ रॉक के बारे में। रॉक नहीं, ब्लैक रॉक। हाँ वही जो भी है, ये फोन में बात कर रहे हैं। तुम क्या कर रहे हो? क्या पता नहीं क्या ये फोन में फेसबुक में छोटी छोटी आती पिक्चर की क्लिप वही देखा करता है। मेरे लिए तो किसी के पास नहीं था, तो इसलिए मैं भी अपना फोन चला रही हूँ। आई एम बोरिंग, मम्मी जल्दी घर आओ। तरीका देख रहे हैं अभिषेक का लेटने का। ये सेम ऐसे ही पलंग में भी लेटता है, पूरा चिपक के, बिल्कुल भी गैप नहीं। अभी तो ये फर्श पे लेटा हुआ है, आपको दिखाते हैं। देखिए पलंग से बिल्कुल भी गैप नहीं है, एकदम देखिए एकदम चिपक के लेटा हुआ है। और सेम ऐसे ही वो जहाँ मोहित लेटा है कंबल ओढ़ के, वहां पे भी लेटेगा तो पूरा दीवार पे एकदम चिपक के लेटेगा। देखो इधर, इधर देखो। अभी ये सो नहीं रहा, पता भी जग रहा है लेकिन ये उठेगा नहीं। उठो तो देखो। हमें एक क्वेश्चन का जवाब चाहिए बस, ये बताओ तुमको क्या मजा आता है कि जब तुम वहां इतना चिपक के लेटते हो, मतलब एकदम पूरा डीपली चिपक जाते हो इस पलंग में या उस दीवार में, क्या इसे तुम्हें मजा आता है? बताओ बताओ, कुछ पूछ रहे हैं हम।
मजा आता है बस। नहीं मतलब क्या मजा आता, तुमको एक छोटा सा कोना दे दिया तुम उसी में पूरी जिंदगी एडजस्ट कर लोगे ना। जो है दुकान से घर आ चुकी है और नहा रही है, हम तो सो चुके थे, थोड़ा आराम मिला, गला भी बैठा हुआ है, एक तो मौसम की वजह से पता नहीं क्या है। अभी धूप निकली कि नहीं निकली? धूप हल्की फुल्की निकली हुई है, ज़्यादा नहीं निकली हुई है। मैंने आज हेयर वॉश किए थे, अभी थोड़ी देर पहले सो रहा था, देखिए फ़ोन चलाने लगा। चश्मा कहाँ है तेरा? यही रखा है मेरा। ये तीनों चीज़ें रात में भी इसके पास रहती हैं और ये तीनों चीज़ें जो है इतने समय भी इसके पास है। मोहित जो है जानवी को पढ़ा रहा है, जानवी बिल्कुल पढ़ नहीं रही है, सब कुछ उल्टा सीधा लिख रही। देखो ये माता इधर चढ़ा, ऊपर से कहाँ चढ़ा तुमने, फिर तुमने चढ़ाया ये, इसमें कैसे बना है? सही बात है, देखो उल्टा चढ़ा रही है, देखो कहाँ से चढ़ी, यहाँ इस वाले डंडे चढ़ाओ ना इससे, तुम इधर देखो कहाँ कैसे बना, तुम इधर कैसे बना रही हो, घुसता नहीं बुद्धि में तुम्हारे, बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ से नहीं चढ़ेगी, यहाँ से। जानवी इधर देखो, जानवी इधर देखो, जानवी दूसरे पढ़ा, जानवी कोई क्या पढ़ाएगा, ये क्या बना, ये क्या है, ये अंतरिक्ष में बढ़ चलते होंगे। मुझे दीदी उर्दू लिख रही है ऐसे, ओ नहीं होता, ओ से ओखली, तो पता क्या कर रही है, आ बना रही, आ के ऊपर छोटे एक ही मात्रा और बगल में डंडा खींच दे रही है, गोल मारना ए आओ। बस तुम यही, तुमको हम बस इसीलिए दिखा रहे हो कि तुम सारा दिन फोन चलाते हो, देख लो बस कुछ नहीं। उस समय क्या फेसबुक का वीडियोस देख रहा था, पिक्चर, और ये पिक्स बिगाड़ा तो इसने है ना, इधर आ जरा, इधर आ, इधर आ, हमने क्या बिगाड़ा, अरे तुम इधर आओ, इधर आओ, लाइट पीछे पड़ रही ना, इधर आ, हाँ बताओ पिक्चर जो है तुम कहाँ से ले लेके आते हो, जुगाड़ करके, कहाँ से जुगाड़ करके, हम जाते हैं युगांडा का है ना, ये पिक्चर लाता है, पिक्चर ला ला के कहीं मोहित को देगा, कहीं हमें देगा, और खुद तो रात भर देखा करता है, रात में 1 बजे सोता है और सुबह जो है 11 बजे उठ जाता है। मम्मी भी अब से तैयार हो रही है, मम्मी भी जा रही है अभिषेक को लेकर के मंदिर, पनकी मंदिर, हाँ वही पनकी मंदिर, पनकी मंदिर का असली नाम बताओ, पंचवटी हनुमान जी का है ना, यही नाम है ना, पंचवटी हनुमान जी का कानपुर का मंदिर, यही नाम ही है पंचवटी मंदिर ना, पंचवटी नहीं पंचमुखी मंदिर, अरे हाँ वही पंचमुखी हनुमान मंदिर, पंचवटी हनुमान मंदिर, पंचमुखी हनुमान, अरे तो क्या हुआ बाबा, तो मतलब वही है नाम अलग अलग रख दिए इसे, बालाजी सरकार पंचवटी एक जगह का नाम है जिसमें भगवान राम गए थे कुछ दिनों तक, क्या कह रहा पंचवटी, अरे हमने पूछा पंचमुखी मंदिर का असली नाम बताओ, पंचवटी मंदिर, पंचमुखी है, हमें नहीं पता था, हमने पंचवटी बोल दिया, तो वो कह रहा पंचवटी एक जगह का नाम है, जहाँ कहाँ राम जी गए थे, कहाँ गए थे, भगवान राम सीता जी गए थे, भगवान राम सीता जी गए थे, बता रहा हाँ, बगीचे का नाम था पंचवटी, अशोक अशोक बाग था वो, अशोक वाटिका, पंचवटी कहाँ था, पंचवटी इधर साइड था जहाँ भगवान राम आए थे, बहुत ज्ञान देता है सबको, ज्ञान क्या देते हैं आप, तुम इनका सही से रख दो, इसे पढ़ा उल्टा सकते हैं, मम्मी ने एक और काम दे दिया, पूरा ज्ञान है तो वही सब बांट रहे हैं, सबके पास आधा पूरा ज्ञान, सारा मेकअप का सामान फैला हुआ है, कल न ड्रामा में पहले ही होगा, बना देंगे, देख सकते हैं इसमें सारा मेकअप का, मेकअप का नहीं बोलते, क्या बोलते, ज्वेलरी सेट है ये सब, ज्वेलरी सेट सामान, इसको अभी हम लोग एक दिन शादी में गए थे तो सामान जो है सब उल्टा सीधा रख दिया गया था, अब इसको सब सेट करेंगे, अच्छे से लगाएंगे, मारो नहीं मुझे, ये हम चित्रकूट से लेके आए थे, थोड़ा लूज हो गया लेकिन बेकार ना बोलते ना, चित्रकूट की याद है, हनुमान धारा से लिया था, गए तो थे चित्रकूट ना, हाँ तो लिए तो हनुमान धारा से थे, हाँ हनुमान धारा से लिया था, तो
तो मम्मी जो है नंदू गोपू के लिए पलकी मंदिर ड्रेस लेके आई हैं। आप ये देख सकते हैं, ये गोपू के लिए है और जो नीचे रखी हुई है नंदू के लिए है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग, तब तक बने रहिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू।